अमृतसर के सुल्तानबिंड रोड से पेंदे गुरु नानकपुरा गली नंबर 2 इलाके दियां जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो उत्थे कुछ घंटियां पहलां एक 3 मंजिली इमारत खड़ी सी जिस अंदर 6 हसदे बसदे परिवार खुशी खुशी रह रहे सन। पर बीती रात हुई तेज बरसात ने उस इमारत नूं मलिया मेट करके उसका आ हाल कर दिता जिस हेठां दब के एक प्यो धी अपनी जान गवा बैठे ने ते कईआं दे हाले भी मलबे हेठ दबे होण दा शक जताया जा रहा है। सर इतने ना रात 1:30-2 बजे बहुत ज़्यादा तेज़ मीह पे आया तो मीह के बच्चे 3 मंजिल छत सी जिस एक पहली मंजिल के किराए रेंदे से सैकेंड मंजिल से भी किराए रेंदे से थल्ले भी रेंदे से वह सारी की सारी छत थले गिर गई बरसात ने क्योंकि मकान की हालत जी खस्ता हालत सी। सरकार ने इन्हों नोटिस भी किए फिर भी इन्होंने किराएदारों रख के उन्होंने किराया खा रहे थे। इतने जी एक छोटे बच्चे की मौत हो चुकी है जिसकी उम्र 8 साल है जिसका नाम गुड्डू है लड़की है तो एक मुंडा रमन कुमार सनी हने क्या बहर लेंटर थले उसकी भी डैथ हो चुकी है तो बाकी 2-4 लाशा शायद मलबे थले होर होने की संभावना हैगी है। टोटल इस 4 परिवार रेंदे से जिन्हें अपने अपने मैंबर 4-4 बने गए थे किराएदार जी सामने मंजिल की फ्रंट वाला पासा बच गया जो थले वाला 3 मंजिल वाला वो सारे का सारा ढा गया बरसाती ना। सरकार के हुक्म अनुसार कि कोई भी खस्ता हालत की बिल्डिंग मालक मकान को खाली कराने हक है गए मगर मालक मकान ने इस हकों नहीं मनिया उन्होंने किराए खाने खातिर लोगों की जिंदगी के नाल खिलवाड़ किया। बाकी असी पंजाब सरकार अगे बेनती करते हैं कि गरीब परिवार से 3 धियां से उन्हें बंदे दियाँ सनी रमन कुमार सनी दियाँ पत्नी उरी हस्पताल दाखिल हो गई आ दोनों धियां भी हस्पताल दाखिल हो गई गुरु नानक हस्पताल तो एक बेटी उरी मर गई आ तो आप भी वह मर गया गरीब परिवार से जिन्हों इन्हों पंजाब सरकार वालों कोई ना कोई मुआवजा मिलना चाहिए तो जी उरी औरत आ उन्होंने जिन्ना भी इलाज लूज सरकार को करना चाहिए जेडे मकान मालक है जिन्हों का भी मकान आ उन्होंने जी बनती कार्रवाई वो जरूर होनी चाहिए आ क्योंकि ता कि जे होर भी शहर वासी आ कि उन्होंने कि पता लग जाए कि खस्ता हालत के मकान किसी भी किराएदार ना दिते जा ना उन्होंने जिंदगी के नाल खिलवाड़ किया जाए। हूँ तक 2 डैथ हो चुकी आ जी चले गई लाशा तो हूँ इस तों बाद हजे मलबा निकल रहा पता नहीं किनिया लाशा निकल दी। रात 2:15 बजे के करीब घटी इस घटना की सूचना मिलद ही ना सिर्फ फायर ब्रिगेड दियां 4 गड्डियां च सवार होके आए विभाग के मुलाजमान सारी रात बचा कार्य च जुटे रहे बल्कि पुलिस के इलाका निवासी भी इस भयानक हादसे कारण दुख की घड़ी च सौ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने गुआंढ च किराए ते रहिंदे गरीब परिवारों ते कहर ढह गया सी। दस दी कि हादसे च जिस 35 साल व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम रमन कुमार उर्फ सनी की मौत हुई है वह 3 धियां का बाप सी। इस हादसे च ना सिर्फ उसकी एक 8 साल धी गुड्डू की भी मौत हो गई बल्कि उस दियां बाकी 2 धियां ते पत्नी हस्पताल च दाखिल जिंदगी ते मौत दी लड़ाई लड़ रही ने। हमें रात को 2:35 पे इतलाह मिली कि गुरु नानकपुरा गली नंबर 2 सुल्तानबिंड रोड वहाँ बिल्डिंग क्लैप्स हुई है तो इमीडिएटली हमारी 4 गाड़ियाँ 3 हमारी और एक प्राइवेट जो है सेवा समिति मौके पर पहुँचे और इमीडिएटली हमने ऑपरेशन शुरू किया। पहले तो एक बाहर 2 मंजिला है बिल्डिंग अंदर 3 मंजिल है तो हमने जो हमारे पास नए आधुनिक जो हाइड्रोलिक कटर हैं उसको लेके अंदर लोहे का दरवाज़ा था पहले लकड़ का तोड़ा फिर लोहे का दरवाज़ा तोड़ने के बाद इमीडिएटली ऑपरेशन किया आप देखिए मलबा सारा बाहर निकला तो अंदर जो बताया उन्होंने 3 लोग थे एक लड़की की माँ जो थी 2 बच्चों को लेके बाहर आ गई और अंदर एक लड़की थी 8 साल की और एक 35 साल का लड़का जो उसका बाप था एक बुजुर्ग है गुड़िया को लड़की को बाहर निकाल लिया और उसके बाप जो है सनी उसका नाम वो बाहर निकाल लिया तो वो गुरु नानक हॉस्पिटल वो ले गए एम्बुलेंस में डाल के तो बाकी एक अभी जो आदमी बीच में अभी भी है। आप बता सकते हैं अभी तक कितनी डेड बॉडी आपने बाहर निकाली है? देखिए डेड बॉडी तो हम नहीं बोल सकते ये तो डॉक्टर बताएंगे कि ये डेड है या नहीं डेड हुआ। कितने लोग निकाले अभी तक? बाहर निकाले 2 3 2 बताया इन्होंने अभी और 2 निकल गए हैं एक 8 साल की बच्ची है गुड्डू और एक वो 35 साल का है सनी नाम उसका तो वो 2 निकाले। अब वो डेथ हुई या नहीं हुई है वो तो डॉक्टर बताएंगे ना हम तो एम्बुलेंस में डाल दिया उन्होंने वो ले गए ये डिक्लेयर वही करेंगे डेथ हुई है या ट्रीटमेंट होना या कैसे ये वो डॉक्टर बता सकते हैं। इत्थे ये भी दसन योग है कि जेड़ी इमारत डिगी है वो बहुत पुरानी हो चुकी सी ते सरकार वल्लों उसनूं असुरक्षित ऐलान दिता गया सी पर इस दे बावजूद मकान मालक चंद रुपयां दे किराए दे लालच नूं नहीं छड्ड सकिया ते उसदा नतीजा ये निकलिया कि कई हसदे बसदे परिवार उजड़ गए
हुण वेखना यह होगा कि जिला प्रशासन कसूरवारां ते की कार्रवाई करदा है ते पीड़ितां नूं की सहायता दिंदा है। अमृतसर तो ब्यूरो रिपोर्ट हकीकत टीवी पंजाबी।